हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर मैं एक मेकअप लुक कर रही हूँ जो कि आपको किसी भी छोटे मोटे फंक्शन पार्टी में चलने वाला है। यहाँ पर मैं रक्षाबंधन के लिए व्यस्त कर रही हूँ। बिल्कुल 5 मिनट में हो जाएगा ये। मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज़र किया है, फिर बीवी क्रीम लगाई है यहाँ पर मैंने, और फिर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर रही हूँ। गर्दन पर लगाना ना भूलें। ये मेकअप बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, या फिर आप बहुत हरी में हैं तो ये कर सकते हैं। बस इतना सा करें, कोई मैं बहुत सारे इसमें स्टेप नहीं फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद मैं काजल लगा रही हूँ। फेसिस कैनेडा का ब्लैक काजल है, ये लगा के थोड़ा सा मैं वाइट काजल भी लगाऊंगी। मैंने पिंक कलर का नायका का लिपस्टिक लिया है, बहुत ही प्यारा शेड है ये। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैं ज़्यादा यहाँ पर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने वाली, मैं इसी से अपने ब्लश ऑन करूँगी। अगर आपके पास ना भी है ब्लश, तो आप इस तरीके से कोई लिपस्टिक के साथ ब्लशर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक साइड मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने दोबारा लगाया। दैट्स इट, और कोई मैं मेकअप नहीं करने वाली। ये मैंने अपना मेकअप फिक्सर कर लिया यहाँ पे, इससे एक अच्छा ग्लो आ जाता है। और हाइलाइटर का मैंने यूज नहीं किया। ये मैंने कुर्ता सेट यूज़ किया है यहाँ पे मेरे फर्स्ट लुक के लिए, जो कि मेरा पहले का था। उसके साथ मैंने पिंक कलर का चोकर ले लिया, जो कि लुक को बहुत अच्छा फेस्टिव फील दे रहा है। और साथ में मेरा कोई और स्टॉल का दुपट्टा था तो वो मैंने ले लिया इसके साथ। पेस्टल कलर है, काफ़ी अच्छा जा रहा है इसमें। हाथों में मैंने सिल्वर कलर की चूड़ियाँ डाली जो ऑलमोस्ट सबके पास होती हैं। ये एक और कुर्ता था मेरे पास, इसके नीचे वैसे तो वाइट कलर की प्लेन लाइन आप कोई भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इस तरीके का कोई प्रिंटेड, आप उसके नीचे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने इसको सेम उसी ज्वेलरी के साथ डाला। हाथों में मैंने बैंगल्स निकाल दिए क्योंकि फुल स्लीव पे अच्छे नहीं लग रहे थे बैंगल। ये इसके नीचे प्लेन वाइट की जगह इसके नीचे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे नेक्स्ट लुक है मेरा, ये मेरा एक प्लाजो सेट था काफ़ी पुराना, उसको मैंने इस ड्रेस के साथ ट्राई किया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और सिल्वर मैंने नेक पीस के साथ डाला है इसको, बिकॉज मुझे कुर्ती डालने का मन नहीं था तो मैंने इसको ड्रेस के साथ डाला है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और गले में बस आप एक हैवी सा नेक पीस डाल सकते हैं, जो कि ये प्लेन आउटफिट को थोड़ा बूस्ट अप करेगा, और ये फेस्टिवल लुक रेडी है आपका। आगे नेक्स्ट ड्रेस है जिसका बिल्कुल भी इंडो वेस्टर्न डालने, ये सॉरी इंडियन डालने का मन नहीं है, तो उसको एक ऐसी वाइब चाहिए। तो ये कोई शर्ट मैंने ड्रेस ली है यहाँ पर, आप कोई शर्ट या कोई कुर्ता भी ले सकते हैं जो लॉन्ग हो इस तरीके से। और उसको मैंने यहाँ पर बॉर्डर टोटल टच दिया है बेल्ट और ज्वेलरी का, जो कि ये भी एक अच्छा फेस्टिवल लुक जा रहा है, बिकॉज इसके अंदर गोल्ड काफ़ी सारा ऐड हो चुका है। यहाँ पर मैंने क्लच भी गोल्डन लिया और ये बहुत, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था लुक, और काफ़ी कम्फी भी है। ये देख सकते हैं आप, जो है ये एक वाइट प्लेन स्कर्ट को मैंने लिया, और उसके साथ मैंने थोड़ा कलरफुल सा कुर्ता लिया। इस बार मैंने कुर्ते को किसी सलवार या फिर पजामी के साथ नहीं डाला क्योंकि वो बहुत बोरिंग लगता, और आजकल स्कर्ट दोबारा से इन है लॉन्ग कुर्तों के साथ या शॉर्ट कुर्तों के साथ, ये शरारा का भी लुक दे रहा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और कम्फर्ट भी लग रहा था। और मैंने इस कुर्ते की कोई फिटिंग भी नहीं करवाई, जो कि मुझे ये खुला खुला अच्छा लग रहा था।
इयररिंग्स मेरे कलरफुल हैं, अगेन सिल्वर ज्वेलरी है जो बहुत अच्छी लगती है, और ये लुक रेडी है। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर किसी भी गर्ल्स के पास एथनिक वेयर नहीं है तो आई एम श्योर आपके पास आपकी वार्डरोब में ऐसे कुछ टॉप तो ज़रूर पड़े होंगे जिनके ऊपर नेक पे कोई डिटेलिंग है गोल्डन कलर की, इस तरीके की, जो कि एक फेस्टिवल लुक के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसमें हल्का सा आप मेकअप ऐड ऑन करें, कुछ ज्वेलरी ऐड ऑन करें और एक जीन्स ब्लैक के साथ आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप क्योंकि शॉपिंग नहीं कर पाए हैं इस बार किसी भी फेस्टिवल के लिए, रक्षाबंधन के लिए, तो आप इस तरीके से अपने ओल्ड क्लॉथ को यूज़ करके एक आउटफिट तैयार कर सकते हैं फेस्टिवल के लिए, बहुत अच्छा लुक देगा ये भी। इस तरीके के टॉप अगर आप नहीं लेना चाहते या इन एथनिक वेयर में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो आप इस तरीके के टॉप के साथ भी जा सकते हैं। Thank you guys for watching my video.